नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज मैं आपको Zoom ऐप पर वीडियो कंटेंट्स प्ले करना सिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप अपने Zoom ऐप के ऐप पर अपने वीडियो कंटेंट्स प्ले कर सकते हो। ये वीडियो खासकर टीचर्स के लिए है। मुझे कुछ टीचर्स ने बोला था कि आप इस तरह का कोई वीडियो बनाइए जिसमें वीडियो कंटेंट्स प्ले करना सिखाया गया हो Zoom ऐप पर, तो मैं आप ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने Zoom ऐप पर जाना पड़ेगा और उसको स्टार्ट करना रहेगा। जैसे कि मैं Zoom ऐप पर आ चुका हूँ, एक फ़ोन मेरा टीचर का फ़ोन है और दूसरा फ़ोन मेरे पास जो है वो एक स्टूडेंट का फ़ोन, इसको लेट कर रहे हैं हम लोग। अगर आपको कोई भी वीडियो कंटेंट्स प्ले करना है तो आपको अपने अपने फ़ोन पर जो शेयर वाला ऑप्शन है उस शेयर ऑप्शन पर जाना है। जैसे आप शेयर ऑप्शन पर जाएंगे, सबसे पहले नीचे से जो सेकंड नंबर पर जो स्क्रीन लिखा है उसको आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप देखिए कि आपके पास आ रहा है स्टार्ट नाउ और कैंसिल, तो आप स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करिए। जैसे आप स्टार्ट नाउ करते हैं तो आपके पास दोनों फ़ोन पे देखिए सेम चीज़ें, सेम कंटेंट्स इस सिस्टम में डिस्प्ले हो रहा है। जो टीचर का फ़ोन है ये वाला, इसके ऊपर भी जो आ रहा है वही स्टूडेंट के फ़ोन के ऊपर भी आ रहा है। अब मैं आपको कोई वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी गैलरी में जाना होगा। गैलरी में जाने के बाद आपके जो भी वीडियो कंटेंट्स है उसको आपको प्ले करने के लिए आपको ढूंढना है। सपोज करिए ये एक वीडियो है जो मैं इसमें प्ले करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे को वीडियो मिला है। अब मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ, कोशिश करूँगा। फिर चाहे वो आपके जीवन से जुड़ी हो या किसी भी क्षेत्र से, आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हो, इस टाइप से जो वीडियो इसमें चल रहा है वही वीडियो सेम इधर भी आपको चलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को आपको किसी जगह पे पॉज करना है तो आप पॉज भी कर सकते हो, और यहाँ पर पॉज करने के बाद आप उस वीडियो में जितनी भी चीज़ें अभी तक आपने दिखाई है उसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। इसके बाद आप वापस फिर से इस वीडियो को प्ले कर सकते हो। ये देखिए ये वीडियो फिर से प्ले हो गया, दोनों साइड सेम वीडियो चल रहा है। तो इस तरीके से आप Zoom ऐप पर भी वीडियो कंटेंट्स प्ले कर सकते हो। वैसे Zoom ऐप के ऊपर कोई डायरेक्ट ऐसा नहीं है, कोई डायरेक्ट ऑप्शन ऐसा नहीं है जिस पर आप वीडियो कंटेंट्स को प्ले कर सकते हो, लेकिन स्क्रीन ऑप्शन के थ्रू आप इस पर आसानी से प्ले कर पाओगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके पढ़ाने में मदद भी करेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।